आयुष्मान, एक मिनट के लिए मैं भी डबल माइंडेड हो गई थी कि नहीं, एक बार जाकर के सब सेफ्टी चेकअप सब चेक करके ही जाएंगे, क्योंकि वो एक चीज दिमाग में आ गई कि शायद ये सेफ नहीं है। मुझे क्या लगता है, डेमोंस्ट्रेशन तो आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? आपके सामने हमने एक टास्क दिया है, अगर आप करना चाहें तो आप कीजिए, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप अभी बैकआउट कर दीजिए। विनोद और नेहा की कोने की राजनीति और उखड़ गए वरुण और शालीन, नतीजा एक नई तकरार। ये आपका डिसीजन है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आपकी। तू कैसा बोल दिया झूठ? मैंने सुनिए, उतार देना, गीला हो रखा है। मैंने ऐसा कोई टास्क नहीं उठाया, इसमें सेफ्टी ना, चाहे वो स्विमिंग वाला हो चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग वाला हो, उसमें सेफ्टी थी। द वे यू आर टॉकिंग विद मी, आई गो अवे पापराजी को। मैं तुम लोग से दोनों से कल आरती से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कितने बार इसको बोल रहा हूँ, शालिन शालिन बोल रहा, तो आप बहरे हो क्या? उस दिन विनोद को बहुत गुस्सा था, देयर इज नो स्टॉपिंग इट, बहुत ज्यादा गुस्सा था फॉर सम रीजन। आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम नहीं बात करते पर्सनल, तुम भी तो बात करते हो। यू यू डोंट ट्रस्ट शालिन? भाई साहब मैं दोनों को लपड़ मार दूंगी, खींच के कैप्टन हूं। शालिन सॉरी, मैं करूंगा, अब करना चाहते हैं। शी इज द मोस्ट डेयरिंग आउट ऑफ ऑल ऑफ अस, काफी मतलब एडवेंचरस है। मुझे तो लग रहा था कि ये तो आराम से कर देगी, और कोई करे ना करे आरती जरूर करेगी। इफ यू बिहेव लाइक दिस आई एम नॉट गोइंग। यस और नो, यू ट्रस्ट अस? दैट कम्स अभी नहीं बोलना। यस और नो, मैं आने पे बता, जब आ जाए ना तो अब सोच लेना। भाई साहब ठंड रखो यार, आपको क्यों गुस्सा रहा है? ठंड कैसे रखेंगे, गर्म हो रही है, पसीना आ रहा है। इधर विनोद और शाली में तू तू मैं, और उधर एक गलतफहमी पैदा हो गई। हमने जो बातें बोली वो ध्यान में ना रखी, और दुश्मनी वाली बातें बराबर ध्यान में रखी है। बात करें, सबसे जाके बात करें एक बार, कैन वी जस्ट टॉक। बच्चों की तरह ये लड़ाई करने लग जाती है। लड़ाई नहीं, वो टीम है, वो रिवेंज लेना चाहता है, वो सोच रहा है कुछ बातों से, और मुझे पता है पूरी तरह से पता है वो क्या कर। कोई बात नहीं यार, क्या विनोद आप लोग का दिमाग जो है ना यार, मेरा नहीं उसका दिमाग, कुछ अलग ही चल रहा है, और अपने आप को ज्यादा स्मार्ट ही समझ रहा है। मेरे को वहाँ सुनाई दे रहा है क्या हो रहा है? मुझे एक्टिंग पसंद नहीं, रियल लाइफ में आ गया। आरती एक्चुअली बहुत हाइपर हो जाती है, और वो आई फील कुछ भी बोलती रहती है। अपने दिल से पूछो, अगर ऐसा होता ना तो कभी आपको दवाई निकला था, कभी मैं आपके पास नहीं आता। डार्लिंग दवाई का बात नहीं, कल रात को भी मैंने सुनो, अगर तुम दोनों को मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी आपसे बात करने की कोशिश। अब बताइए आपको वहाँ पे क्या लग रहा है, क्या बात हो रही है? पानी देना प्लीज, मुझे करने नहीं दे रही शो। दूसरा बात ये, तो उसके ऊपर निकालने की जरूरत नहीं है, तो उस पे निकालेगा यार, अपने टीममेट पे निकालेगा यार। निकालना है तो इन किसी इन वो आंसू असली भी हो सकते हैं और नकली भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने उसको रोते हुए फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उसको नहीं देखा, उस वक्त हम लोग अलग थे, मैंने उसको देखा नहीं, पर अगर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी तो वो एग्जैग्रेशन है, वो एक्चुअल में कोई इतना रोता नहीं है। मुझे लगता है कि उसके आंसू असली थे। क्या हुआ गुरु? अरे आजा छप्पी वाले, कौन दोनों जो यहाँ पे तीन लोग चार लोग खड़े थे उनकी बात कर रहे हैं? हम तीन चार लोग खड़े थे और हमारे बीच में लड़ाई हो रही थी। आरती भाई यू प्रेशराइज्ड, आरती स्वीट डोंट डू इट, लेट्स डोंट वांट इट, फाइन आई एम डूइंग इट, इट्स ओके, नो 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 डोंट गेट प्रेशराइज्ड, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे टास्क, ऐसी कोई बात नहीं, अगर इतना दिमाग में आ रहा है तो जल्दी में अगर करोगे अगर तुम गिरे तुम पूरी बॉडी बर्न होगे, और अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। डर आ गया था, क्या हो रहा है अभी? डर आ गया था, अब टीम के दबाव के अंदर आके कर रहे हैं, ये साफ जाहिर है। यहाँ पे सारे हीरो बनने आए हैं, ये शो है एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कल कुछ हो गया ये लोग यहीं पर रहेंगे, आपकी जगह कोई और रहेगा, पता है उनको फर्क नहीं पड़ेगा, पता है। अगर आप ये टास्क नहीं करना चाहती, ये आपका चॉइस है। 15 मिनट पहले तक ठीक थी, तो अभी आप जो सोच रही हैं आप बोलिए। यही
बहुत अनइवन बेड है, एक डाउट आ गया माइंड में, सब एक दूसरे के पीछे वोट आउट के बारे में भी सोच रहे हैं, पीछे से गाने भी दे रहे हैं, पता है अभी भी दे रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पता है। आप एक बार डिसीजन लेके देखिए, अगर आप जो सोच रही हैं मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आगे और आइए कैंडी। सीआरटी मुझे सबने पूरी टीम की तरफ से भेजा है तुमसे बात करने के लिए, बहुत सिंसियरली सब लोग बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई वो छोटे होने वाली बात नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेशली नेहा ने ये कह करके भेजा है कि आतिफ यू वांट टू बैक आउट, दिस इज योर लास्ट चांस ऑफ डूइंग इट राइट नाउ। आपने पहले दो टास्क सबसे अच्छे किए हैं, मैं आपको बता दूँ, आपको भी पता होगा कैंडी ने टास्क नहीं किया। क्या आपने कैंडी को ऐसे देखा, क्या आपने उसको कुछ बोला? आपके डिसीजन से मेरे को लग रहा है काफ़ी अलग और लोगों के डिसीजन पे भी फर्क पड़ेगा। वो टीम जो आपको अभी से इनकरेज करने के बजाय आपको धिक्कार रही है, मेरे ख्याल उनके लिए बहुत, मैं टीम में फूट नहीं डालना चाहता कैप्टन, बट ये सच्चाई है, कोई नहीं धिक्कार रहा है यहाँ पे, सारे प्राइज मनी के लिए आए हैं, कोई प्राइज मनी के लिए नहीं आया। अंदर उसके क्या चल रहा था हमें नहीं मालूम, अगर उसने मीडिया कवरेज के लिए किया कि नहीं मैं अलग खड़े रहूंगी, मुझसे सवाल पूछे जाएंगे, अगर इसके लिए किया तो ये गलत है, क्योंकि जब सब लोग कर रहे हैं तो एक टीम स्प्लिट होती है कि हाँ यार करना है, और आरती ने वो तोड़ा। सबको बताइए कि आप प्लीज, आई एम सॉरी गाइस, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स कूल, कोई बात नहीं, इट्स कूल, ठीक है, मैं नहीं कर रही, परफेक्ट, इट्स ओके, कॉन्फिडेंस में पता है क्या होंगी, एक गिफ्ट कम हो जाएगा। हाँ यार, तो यार जगह कहाँ है हमारे पास, बैग में कपड़े रखने की जगह नहीं, गिफ्ट की आंसुओं से ज्यादा नहीं है। गाइस डिसीजन ले लिया उन्होंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये थे आपके प्राइजेस, आखिरी बार दिखा दो सकते हो, थोड़ा और जला दो, एक दो तीन मतलब चार, पेपर तो बनाएंगे देख के करेंगे, सात, रणविजय जी मतलब बाकी लोग नहीं कर सकते बचे हुए, सात प्राइजेस, अरे क्या थे, कुछ चुप रहो ना तुम्हें, कोई बात नहीं छोड़ो ना, व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव आउट हियर, कोई भी नहीं कर रहा है, पर अगर बाकी लोग ये मजे के लिए करना चाहते हैं आगे के 10 मिनट के लिए उन्होंने जागिए रोडीज, 15 मिनट धनबाद की ओर। तो काली रात के बाद एक नई सुबह और निकल पड़े रोडीज, ये हमें बड़े प्यार से दिया गया है इसलिए अब हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। आज आप कप्तान। ओके। 30 मिनट में तैयार होकर बोध गया की ओर रवाना हो। हेलो, देयर इज नो फूड फ्रॉम द प्रोडक्शन, बट वी कैन गो आउटसाइड। 9:30 है बेटा, बाहर खाना मिले ना मिले भागो अभी। ढाबा चाहिए भाई, नहीं वहाँ पे ढाबा नहीं, अरे मेरा दो का चार रोल हो गया ना, दो आलू और दो मिक्स वेज, ठीक है 2 मिनट पैकिंग में, कीड़ा खा रहे हैं कीड़ा, 240 धन्यवाद। इस हसीन तस्वीर का
दूसरा रुख जानने के लिए दिन रात खुली है हमारी तीसरी आंख, यानी एक जासूस कैमरा। ये क्या बोलते हैं कि हम लोग सिगरेट पीने जाते हैं, बोलते तुम प्लान बनाते हो अंदर जाओ। मेरा दिमाग तो खराब करो, एक नंबर बात करो, करना क्या रहा, क्या करा, बोल रहा हूँ दिमाग मत खराब करो, एकदम घटिया इंसान, मतलब घटिया इंसान आप लगते हो यार। तेरे को क्या इतना मिर्ची लगा, मैंने सिर्फ ऐसे मस्करी में किया, मतलब क्या हो गया यार, पता यार क्या दिमाग खराब, एक्टिंग मत किया, रियल लाइफ जियो बस। झूठ से नफरत है, खुद दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। मुझे लगता है मेरे वजह से तुम लोगों को तकलीफ हुई, मैं इधर से निकलने को फुल नहीं तैयार यार। तुम लोग बोल दो मुझे वोट आउट कर दो, मैं इजीली वोट आउट कर दो, क्यों कर दे आपको वोट आउट, हम तो यही बोल रहे ना कि तीन जन दो बेड पे सो सकते। आओ ना फिर, मैं जमीन में सो रहा हूं। सुनो यार, क्यों एक्टिंग कर रहे हो यार, क्यों एक्टिंग कर रहे हो, सुनो यार, तू वहां सो जा, मतलब क्या यार, तुम अकेला सो रहा था, तुम बोल रहे मैं सो रहा हूं, हम तब तक तीन बेड ज्वाइन कर लेते। यार तुम क्यों नहीं समझते हो, व्हाट इज रॉन्ग विद योर हेड, कुछ नहीं, रिस्पेक्ट देते ना, ये सब फालतू बात नहीं करते। रोड इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, माय डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, डोंट पुश मी ऑन द लिमिट्स, आई एम टेलिंग यू, क्या बात मत कर, मुझे भी आई कैन शाउट इन फ्रंट ऑफ द फकिंग पीपल ओवर हियर, यार वन ऑफ टेकिंग मी ऑन माय हेड, यार डोंट फकिंग शो मी योर टेंपर अगेन, मैं डर गया, बस डर गया, व्हाई शुड आई ओबे यू, टेल मी व्हाई शुड आई ओबे यू, यू आर माय पेरेंट, आर यू माय पेरेंट, डोंट कॉल मी चेंज, स्टॉप, आई विल स्टॉप हैपिंग, आई एम टेलिंग यू। So what is there in this world? Listen, okay. You might be a gangster or something. You man, I can't think of it. Abhi, mana tere nikal jaye. Okay. Don't show me a body and stuff. I'm not scared of you. Okay. I don't know what's wrong with this man. ये बोलता है मैं ग्रुप से तुम बाहर निकाल रहे हो. You're not respecting me. You're not obeying. Why should I obey you? आप मुझे गालियाँ दोगे मैं बर्बाद नहीं करूँगा. I'm not here to hear abuses from a man like you, who's sick inside. क्या आ रहा है भाई? What's happening? आज का कोई कैप्टन नहीं है, ठीक है, पर मेरा मन किया तुम्हें 500 रुपए देने का, गिन लीजिए 500 रुपए हैं, पैसे देख के थोड़ा नर्वस हो गया तू, 50 रुपए वापस। कल आप धनबाद में 15 मिनट लेट थे अपने कॉल टाइम से, आप लेट हुए थे, आपको पहले दिन ब्रीफ कर दिया था कि अगर आप कॉल टाइम से लेट होंगे तो 50 रुपए कट हो जाएंगे आपके। आप लोग यहाँ से जाइए और मेरा इंतजार करिए लॉबी में। ऐसा है कि मैं आप लोगों को डेट्स पे भेजने वाला हूँ तीन लड़कियों के साथ, क्या बात है, और ये तीन लड़कियां ही डिसाइड करेंगी कि उनका पार्टनर कौन है। जाहिर हाय कैंडी, मैं आयुष्मान, और क्या तुम मेरी आज की तारीख बनोगी? सारे लड़के कैंडी को ही लॉलीपॉप क्यों बनाना चाहते हैं, मतलब किसे देख रहे होंगे? उन खूबसूरत लड़कियों को देख रहा हूँ जो मुझे देख रही होंगी, प्लीज मुझे पसंद कर लेना, अगर इन लोगों में से किसी ने नहीं किया तो मैं हूँ ना। लड़का नंबर वन हाजिर हो। शालीन जब चलते हुए आते तो एज यूजुअल फिल्मी लग रहा था। तन्हाई में जब भी मुझे याद आती है वो हमारी मुलाकात, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, चोरी चोरी चुपके चुपके तुम दलान में तबे पहुंचू मेरे सामने आ खड़े हुई कि मेरा दिल खिसक रह गया। शालीन, आरती ने कहा कि मैं शालीन के संग जाऊंगी, मैंने पहले विनोद को देखा, आई कैन नॉट हेल्प इट। 150 रुपए पैसों को हम क्या करेंगे, अकेले तुम दोनों के लिए खाना वाना खाए जो मर्जी करिए, देखते हैं आप कितने क्या करेंगे, 50 रुपए ले रहे हैं। 8 दिन बाद पॉलिटिक्स, टेंशन ऑफ कौन किसकी बुराई कर रहा है, क्या हो रहा है आसपास, उस सब से 15 मिनट के लिए छुट्टी।